अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला होम पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या मुर्गी को कूड़ा किया जा सकता है। यानी ये एक ऐसा सवाल है जो कि मुर्गी से रिलेट करता है, यानी एक होता है ब्रीड के हवाले से और एक होता है कि आप मुर्गी को इंगेज करें। इंगेज कैसे करेंगे? पहले अगर हम ब्रीड की बात कर ली जाए, अगर जैसे हमारी देसी असील मुर्गियाँ वो हर यानी अंडा तब देती हैं 12-14, वो कूड़क हो जाती हैं खुद ब खुद। दूसरी जो ब्रीड होती हैं वो या तो साल के एंड में होती हैं, या तो ये जो अभी मंथ चल रहा है यानी जिसमें ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, उसमें ये मुर्गियों का फेवरेट सीज़न होता है उनका कूड़क मलने का। अब ये जो आप सामने मुर्गी देख रहे हैं ये कूड़क हो रही है, ये खुद ही कूड़क हो रही है। अब मैं मुझे कैसे पता ये कूड़क हो रही है? अगर आप इसकी बिट देखें, कूड़क मुर्गी की जो बिट होगी ये देखें, आम मुर्गी से बहुत बड़ी होगी और वो ना क्या कहते हैं हर मुर्गी की तरह मिनट मिनट बात नहीं करती। वैसे तो कूड़क मुर्गी एक दिन में एक दफ़ा करती है। अच्छा, इसका जो हिसाब है ये आप देख रहे होंगे अब मोल्टिंग पे है, इसके पर भी गिरे हुए हैं, इसलिए मैंने इसको लग किया ताकि इसके पर भी जल्दी आ जाए। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये देखें, इसमें इसने कल ही अपना अंडा दिया था। इसमें आप एक डमी एग जो होते हैं यानी जो नकली अंडे होते हैं वो आपको किसी ऑनलाइन स्टोर से भी मिल सकते हैं, तो या किसी टॉय शॉप से मिल सकते हैं। तो ये जो अंडे बेसिकली वो रखने का मकसद ये होता है कि या तो वो अंडे कुड़क के लिए मुर्गियों को इंगेज करने के लिए रखे जाते हैं, या तो मुर्गी जब अंडा पीना शुरू कर देती है यानी उसके जब वो अंडा खाना शुरू कर देती है उसको रोकने के लिए, तो ये अंडे खाती भी है। लेकिन ये जब मुर्गी तंग जगह में भी हो और उसको स्ट्रेस हो तो वो अंडा खा जाती है। तो आपने कोशिश करनी है स्ट्रेस नहीं देनी। और ये जो आप जगह देख रहे हैं इसमें फ़िलहाल मैंने मैट बिछाया हुआ है क्योंकि अभी फुल कुड़क नहीं हुई। जब ये कुड़क हो जाएगी तो इसमें मैं ये पराली आप डाल सकते हैं, ये देखें ये पराली है, घास होती है सूखी, और आप पुरादा डाल सकते हैं, आप पूरी भी डाल सकते हैं। तो अंडों का जो क्या कहते हैं प्रोसेस होता है, आपने खाना पीना मुर्गी का रख के पहले कोशिश करें उसको खाना और पीना पिला लें, फिर उसको ऐसी जगह में बंद करें जहाँ वो डिस्टर्ब ना हो, स्ट्रेस फ्री रहे। अब ये इस जगह में बैठ जाती है आराम से, डिस्टर्ब नहीं होती। कोशिश करें कि डमी एग्स रखें ताकि मुर्गी अगर अंडा तोड़ने की कोशिश करे तो तोड़ भी ना सके। ये इसने कल अंडा दिया अपना और ये इसको लेकर फ़िलहाल बैठती नहीं, लेकिन हम इसके नीचे रख देते हैं तो ये कुछ दिनों में इसका पता चल जाएगा। अगर तो क्योंकि अगर ये इसकी बिट देखें अगर मोटी हो गई है तो इसका मतलब है कि ये क्या कहते हैं कुछ दिनों में कुड़क हो सकती है, क्योंकि ये अभी अंडे देगी अपने कुड़क के, कुछ अंडे पूरे करके फ़ौरन कुड़क हो जाएगी, इसका ये भी मतलब हो सकता है। तो ये वैसे एक एक्सपेरिमेंट भी है। अगर ये बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी ब्रीड पे मुर्गियों की, जैसे हमारी असील देसी मुर्गियाँ हैं वो तो लाजमी कुड़क होती रहती हैं, वो हर माह बाद कुड़क होती रहती हैं। जो दूसरी अदर फैंसी ब्रीड्स हैं इनकी ब्रीड के हवाले से, जैसे ये डोमिनोक है, ये आपको अगर मैं दिखाऊँ ना गौर से, ये बैरेट रॉक नहीं है, इट्स अ डोमिनोक ब्रीड। इसका जो सर है ना, आप डोमिनोक और बैरेट रॉक इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, उनमें साफ वाजे इनका ज़्यादातर इनकी कलगी का फ़र्क आता है। और वो जो आप देख रहे हैं वो बैरेट रॉक हैं। तो बैरेट रॉक भी कुड़क होते हैं लेकिन वो होते हैं बहुत कम है, डोमिनोक भी कम ही होते हैं लेकिन जब होती हैं तो अच्छी माएँ साबित होती हैं। तो अगर आप कुड़क की अगर निशानियों की मैं बात करूं तो मुर्गी की आवाज़ बदल जाएगी, जैसे थोड़ी भारी भारी आवाज़ हो जाएगी इसकी, जैसे जब मुर्गा बुलाता है मुर्गी को वैसी ही आवाज़ निकालेगी, क्योंकि इसने आने वाले वक्त में अपने बच्चों को टीच करना होता है। और इसकी आवाज़ के साथ साथ जो मुर्गी कुड़क हो रही होगी वो अपनी अंडा देने की जगह में बैठना शुरू कर देगी, कोई भी मुर्गी अंडा देगी अपने नीचे रख लेगी। फ़िलहाल अंडे नहीं रख रही अपने नीचे लेकिन ये आने वाले वक्त में रख भी सकती है। इंगेज करने का मकसद ये होता है, या तो आप वाइट कलर का जो नॉर्मल अंडा होता है, बेहतरीन ये है कि आप डमी एग्स लें ताकि मुर्गी अंडा तोड़े भी तो नुकसान ना हो, ताकि उसको अंडा पीने की आदत भी ना पड़े। और क्या कहते हैं हमने कोई भी सायादार जगह हो जो बंद हो जिसमें मुर्गी डिस्टर्ब ना हो, उसको खाना पिलाना पिला के उसकी या तो बेडिंग आप चेंज कर दें। मैंने बेडिंग इसलिए नहीं चेंज की क्योंकि अभी कुड़क हुई नहीं है। वैसे बेस्ट ये है कि आप बेडिंग रखें इसमें, या पराधा डाल लें, पराली डाल लें, या जो क्या कहते हैं तूरी होती है वो डाल लें, तो उसमें एक नकली अंडा रख दें या दो रख दें तो उस पर मुर्गी को खुद इंगेज होगी, मुर्गी को आपने बार बार देखना नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपने उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना। अब ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं हम,
ये देखिए यहाँ से इसको सांस भी आता रहता है। इसके आगे ये रख देता हूँ मैं, तो ये डिस्टर्ब नहीं होती और ये बैठ जाती है, वरना मुर्गियाँ अमूमन आप देखेंगे उछलने लग जाती हैं अगर उनको किसी जगह में बंद किया जाए। तो इसकी जो बिहेवियर है आने वाले वक्त में ये भी बताएगा कि ये कुड़क हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये कुड़क मुर्गी की सबसे बड़ी निशानी है। ये अब इसने बिठ, ये सिर्फ रात में इसने एक की हुई है, बाकी ये बाहर आके करती है, वो अपनी जगह नहीं गंदा करती और अंडे को भी साफ रखती है। तो ये जो बिट है यानी वो आम मुर्गी से बहुत बड़ी करती है, क्योंकि वो एक या दो दिन बाद करती है कुड़क में, तो इसलिए उसकी पहले से बिठे मोटी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो ये जो अंडा है ये इसका अपना अंडा है जो उसने कल दिया। इससे पहले मैंने इसके नीचे डमी एग्स रखा हुआ था, तो वो नहीं इसने अपनाए थे क्योंकि वो मैंने खुद बनाया था, बाजार से नहीं मंगाया था मैंने। तो ये इसका अपना अंडा है, तो ये अगर इसको नीचे रखेगी तो इसको मतलब पता होगा ये कि इसका अपना अंडा है, तो आने वाले वक्त में अगर तब ये कुड़क हो जाएगी तो इसके नीचे मैं और अंडे भी रखूँगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये अगर आप कुड़क मुर्गी की कल की देखेंगे तो वो जैसे मुर्गी नहीं अंडा देती जब अंडा देना बंद कर देती है, इसकी कल की आपको लाल नज़र आ रही होगी, उसकी वजह भी यही है, ये शायद अमूमन और अंडे देगी उसके बाद कुड़क होगी। अगर आपको बाकी मुर्गियां मैं दिखाऊं तो ये जो आप मुर्गी देख रहे हैं इसे मैं पहले कोचीन समझ रहा था, ये कोचीन नहीं है, इट्स अ क्रॉस ब्रीड, ये 4 to 5 ब्रीड्स के दरमियान का मिक्सचर है। बेसिकली जब मैंने मंगवाए थे पैरट रॉक थे, उसमें से वो जो आप टप में देख रहे हैं वो हेरिटेज पैरट रॉक है, यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। तो ये मुर्गी पहले कुड़क हो भी चुकी है, लेकिन अब मैं इसको कुड़क करता हूँ तो ये नहीं होती, क्योंकि इसने अपने अंडे देने हैं, उसके बाद ये खुद ही कुड़क हो जाएगी। और इसके जो बच्चे रखे हैं आप, तो ये इसके बच्चे हैं जो कि माशाल्लाह से 5 महीने के लगे हैं, ये दो, जिसमें से ये मेल है और ये ही फीमेल है। पहले ये फीमेल लगती थी और ये मेल लगता था, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे बड़े हुए तब तब इनका पता चला। कुड़क मुर्गी के जो चंद निशानियों की बात की जाए, एक तो वो अपना अंडा नीचे लेके बैठना शुरू कर देती है, कोई भी अमूमन फ्लॉक में मुर्गी दे वो मुर्गे से अपने आप को दूर रखती है क्योंकि वो कुड़क हो रही होती है। और मतलब वो अगर तो खुद ही कुड़क हो जाती तो आपको मुश्किल नहीं होती, अगर आप खुद कुड़क कर रहे हैं या वो अभी कुड़क हो रही है यानी वो भी चंद दिन तक अपने अंडे पूरे करके खुद ब खुद बैठ जाएगी अंडों पर। जो जहाँ तक मेरा ख्याल है इसने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि ये अपने अभी अंडे नहीं रख रही तो अंडे को नुकसान भी नहीं पहुंचा रही। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कुड़क के हवाले से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं डमी एक्स की पिक्चर लगा दूंगा तो वो भी आप देख सकते हैं, और मेरा फेसबुक पेज है अब्दुल्ला होम पोर्टल, उसको भी शेयर करें और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।